महिलाओं का भी होगा वाईपीए। वीमेंस आईपीएल टीम की होड़ में 30 कंपनियां लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप से लेकर हल्दीराम तक ने खरीदे टेंडर। नाम का ऐलान 25 जनवरी को होगा और महिला आईपीएल चैंपियन को मिलेंगे तकरीबन 6 करोड़। वीमेंस आईपीएल टीमें खरीदने के लिए करीब 30 से ज्यादा कंपनियों ने टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदे। इन्हीं में से किन्हीं 5 कंपनियों को 25 जनवरी को टीमें मिलेगी और डॉक्यूमेंट खरीदने वाली 30 कंपनियों में कई नई कंपनियां शामिल है। इनमें चेन्नई का श्रीराम ग्रुप, नीलगिरी ग्रुप और एडब्ल्यू काटकुरी ग्रुप समेत एपीएल, अपोलो और नमकीन बनाने वाली कंपनी हल्दीराम भी शामिल है। सीमेंट कंपनियों का भी इंटरेस्ट है। चेटीनाथ सीमेंट और जेके सीमेंट ने भी डॉक्यूमेंट खरीदे। इंडिया सीमेंट कंपनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खरीदे हुए है। ऐसे में इस फ्रेंचाइजी लीग में एक और सीमेंट कंपनी की एंट्री हो सकती है और ये बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। आईपीएल लीग में शारजहां वॉरियर्स टीम की मालिक क्रापी ग्लोबल और अडानी ग्रुप ने भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीद रखे हैं। इसके साथ ही सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों ने खरीदे डॉक्यूमेंट्स। प्रो आईपीएल में शामिल सभी 10 टीमों के मालिकाना हक वाली कंपनियों ने महिला आईपीएल के टेंडर डॉक्यूमेंट भी खरीदे। और आपको बताते चले कि महिला आईपीएल टीमों का ऑक्शन 25 जनवरी को मुंबई में होगा। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स टीम की कंपनी जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने दो अलग अलग महिला आईपीएल टीम खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है और दोनों ने साथ मिलकर टीम खरीदने के लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट खरीदे। टीम खरीदने में कई कंपनियों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और सभी कंपनियों ने बोली नहीं लगाई, परंतु बीसीसीआई के टेंडर डॉक्यूमेंट की कीमत करीब 5 लाख रुपए थी। और जिन भी 30 कंपनियों ने डॉक्यूमेंट्स खरीदे, जरूरी नहीं कि उन सभी कंपनियों ने महिला आईपीएल टीम खरीदने के लिए बोली लगाई। साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि महिला आईपीएल टीम खरीदने के लिए कंपनी की नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ऐसे में कई कंपनियों ने अपने नाम वापस ले लिए और टेंडर डॉक्यूमेंट्स 21 जनवरी को बिकना बंद हो जाएंगे। मीडिया राइट्स। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।